आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम केवल और केवल कर्जे से मुक्ति की बात करेंगे। पूरे साल में केवल एक ही दिन आता है जिस दिन आपका काम बनेगा, 100% बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप यह काम अपने ही घर पर कर सकते हो। यह काम केवल और केवल देव उठनी एकादशी के दिन किया जा सकता है, अन्य किसी दिन नहीं किया जाएगा। पूरी साल में केवल एक ही बार ये काम हो सकता है, इसलिए गलती से भी इस मौके को जाने मत देना। उसके साथ साथ वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना, क्योंकि उन्हें भी तो यही परेशानी होगी। सभी के पास जरूर भेजना, फेसबुक पर पोस्ट डाल दो, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लो। एक बार प्रार्थना है आप सभी से, ताकि अन्य लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। अब करना क्या है, देखिए, देव उठनी एकादशी, जब श्री नारायण भगवान 4 महीने की गहरी नींद से जागते हैं तो उसको देव उठनी एकादशी बोला जाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के धार्मिक कार्य शुरू होते हैं, विवाह इत्यादि समारोह शुरू होते हैं। आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है। अब जब श्री नारायण भगवान उठते हैं और अपना पांव नीचे रखते हैं, सबसे पहले दायां पांव नीचे रखते हैं, जैसे ही उनका दायां पांव नीचे आता है, तब धन के जो देवता हैं कुबेर, वो अपने हाथों में श्री नारायण का पांव रखवा लेते हैं। दूसरा पांव जब नारायण नीचे रखते हैं तो धन की जो देवी है माता लक्ष्मी, वो अपने हाथों में नारायण के पांव को रखवा लेती है। यानी नारायण भगवान के दोनों पांव धन के देवता और देवी कुबेर और लक्ष्मी के हाथों में होते हैं। यानी यह एकादशी भंडारे भरने वाली एकादशी है। इतना पुण्य और दूसरे किसी दिन नहीं मिल सकता जितना कि आपको देव उठनी एकादशी के दिन मिलेगा। कर्ज से मुक्ति क्या करना होगा? देव उठनी एकादशी के दिन जब शाम को आप माता तुलसी की पूजा करें या नारायण भगवान की, बाबा श्याम की या श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, उस समय पर अपनी पूजा में, जैसे आप पूजा करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी पूजा में 1 रुपये का 2 रुपये का या 5 रुपये का एक सिक्का जरूर ले लेना। उसके ऊपर तुलसी विराजमान कर देना। चाहे आप तुलसी की पूजा करो, नारायण भगवान की, श्री कृष्ण की, बाबा श्याम की, जो भी आप पूजा करते हो, सिक्के के ऊपर तुलसी विराजमान कर लेना। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी को कभी भी रविवार या एकादशी को नहीं उतारा जाता, एक दिन पहले उतार कर रख लीजिए, बासी नहीं होगी। अब पूजा में उसे यूज करनी है, वहीं रखा रहने दो। अब पूरी रात उसको वहीं रखा रहने दो। अगले दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होना है, अपने मंदिर में जाइए। अब आपके हाथ में एक छोटी सी कटोरी, उसके अंदर हल्दी होनी चाहिए, वो लेकर आप अपने मंदिर में जाइए, अपने पूजा स्थान पर जाइए। अब उस 1 रुपए के सिक्के को और तुलसी पत्र को उठाइए और उस कटोरी में रख दीजिए और श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करिए, बाबा श्याम श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करिए कि हे स्वयं जगतपति, हे नारायण भगवान, आप माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में विराजमान हो जाओ। अकेली लक्ष्मी नहीं रुकती, कहीं भी याद रखना इस बात को, आप माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में विराजमान हो जाओ। ऐसा बोलकर आप उस कटोरी को चाहे पूजा स्थान पर रखा रहने दो, तिजोरी में रखो, या जहां आपका व्यापार चल रहा है, कोई काम चल रहा है, आप वहां भी रख दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यापार में, आपके काम में श्री नारायण भगवान के साथ माता लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी। अगली जो एकादशी आएगी शुक्ल पक्ष की 1 महीने के बाद, इस 1 महीने के दौरान आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, वो महसूस करने को मिलेगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। साल में केवल एक ही दिन ऐसा है जिस दिन सब कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। इस वीडियो को पहले खुद सुनो, फिर अन्य प्रेमियों के पास शेयर करो, इसका लाभ आपको भी मिलेगा। देखते हैं कितने प्रेमी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। जय श्री श्याम।